نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. رفقاء محترم, आज 2021 की शाबान की 15वीं को फ़कीर मोहम्मद अजमल क़ादरी जमात शेरावाला से और अपने अहबाब से मुखातिब हैं। आज की शब अल्लाह की नेमतों में से एक अजीम नेमत है। नबी करीम अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम ने फरमाया, अश्शौबानु शहरी वर्रमदानु शहरुल्लाह। ये माह शौबान जिसको नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये मेरा महीना है, असल में इसमें नबी करीम अलैहिस्सलाम ने बहुत ज़्यादा इबादात को इख्तियार फरमाया, जिससे रमज़ान में फ़र्ज़ इबादात की अदायगी में मुआवनत हासिल हो सके। दूसरा शौबानुल मुअज़्ज़म की इब्तदा 3 शौबान को इमाम आली मकाम सैयदना हुसैन इब्न अली रजी अल्लाह तआला का यौम पैदाइश। इस मुअज़्ज़म असल में इमाम आली मकाम इमाम हुसैन इब्न अली रजी अल्लाह तआला का यौम शहादत। इस माह शाबान में नबी करीम अलैहिस्सलाम के अहले बैत अतहार का एक बहुत बड़ा कुर्बानियों का सिलसिला और दुनिया से इन हजरात के जाने के वाकयात इसी माह शाबानुल मुअज़्ज़म में रूनुमा हुए, और इसकी 15वीं लैलतुल कदर की तरह मोहतरम है। इस रात अल्लाह फैसले फरमाते हैं किसको रिज्क देना है, किसको उठाना है, किसको इस दुनिया में उरूज देना है और किससे दुनिया का दबदबा छीन लेना। इस माह मुकद्दस में और इस शबे मेराज के इस अंदाज के बाद लैलतुल कदर को अल्लाह ने लैलतुल मेराज के बाद का जो फजीलत अता फरमाई है, इस रात अहले बैत अतहार के मानने वाले सहाबा किराम अलैहिम रिदवान की तत्तबो करने वाले इस रात अल्लाह से उठ उठ के मांगते। अहादीस सहिया में 15वीं शाबान के रोजे की भी बड़ी ताकीद और फजीलत आई। इस रात जो लोग अल्लाह से फजल मांगते और अल्लाह से करम मांगते हैं, अल्लाह सवाए आदि शराब नोश के और माँ बाप के नाफरमान के हर मांगने वाले को उसकी चाहत और उसकी तलब के मुताबिक अपनी रहमत खासा से मुतमईन फरमाते। आज की रात बरकत वाली रात, और इस रात अगर हम अपने गुज़श्ता सियाहकारियों और बदामालियों पर एक ही दफ़ा अल्लाह से माफ़ी मांग लें तो वो बहुत काफ़ी। इस रात अम्मी आयशा की बारी थी, वो अचानक उठी, नबी अलैहिस्सलाम को अपने पहलू में न पाया, परेशान हो गई, दौड़ के दीगर बीवियों के घरों में उनके दरवाजों से सुनगुन लेने की कोशिश की, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम की गुफ्तगू फरमाने की आवाज किसी घर से ना आई। आप परेशान हो गई कि मुझसे कौन सा ऐसा गुनाह ना। मदीना मुनव्वरा की सलामुल्लाहि अलैहा की गलियों में दौड़ती दौड़ती अचानक जब कब्रिस्तान के पास से गुजरी तो देखा कि नबी अलैहिस्सलाम एक कब्र पर खड़े होकर अल्लाह से उसकी मगफरत की दुआ मांग रहे। हुजूर अलैहिस्सलाम ने जब
सैयद आयशा सिद्दीका सलामुल्लाह अलैहा को कब्रिस्तान के बाहर देखा, आप तशरीफ ले आए। फरमाया, आयशा आज की रात सोने की रात नहीं बल्कि रब को मनाने की रात। इस रात अल्लाह पाक कबीला बनु कल्ब की बकरियों के बालों से ज्यादा वो लोग जिनकी बर्बादी के फैसले हो चुके होते हैं उनको अल्लाह दोजख की आग से रिहाई के परवाने अता करते हैं। इस रात सुबह सादिक तक अल्लाह पाक आसमान दुनिया पर नाजिल फरमा रहते हैं और ये नुज़ूल मुकद्दस उस वक्त तक रहता है जब तक के मुअज्जिन फजर की अजान नहीं देते। फजर की अजान तलक जो अल्लाह से मांगता है अल्लाह उसको अता फरमा दे। इस दिन जो फैसले होते हैं उनको हतमी कबूलियत लैलतुल कदर को अता होती है। मेरे मोहतरम दोस्तों, आज की रात लोगों को दावत दे के बुलाना ये अहले सुन्नत वल जमात के नज़दीक बिदअत, लेकिन अपने अपने तौर पर इनफरादी अंदाज से इबादात करना, कब्रिस्तान जाना, अल्लाह से उसकी मगफरत मांगना और वफात याफ्तगान के लिए अल्लाह से करम मांगना, यह अहले सुन्नत वल जमात का इम्तियाजी शआर है। मैं तमाम दोस्तों से दरख्वास्त करूंगा कि आज की दुआओं में इस फकीर को याद रखें। सिलसिला कादरिया राशिदिया में आज की रात सलातुल खैर के नाम से 40 रकात अदा की जाती हैं। हर पहली रकत में अलहम शरीफ 11 मरतबा और इखलास 1 मरतबा और हर दूसरी रकत में 1 मरतबा अलहम शरीफ और 11 मरतबा इखलास और हर सजदे में तस्बीहात यानी सुबहाना रब्बिल अजीम और सुबहाना रब्बिल आला के को 19-19 मरतबा या 41-41 मरतबा पढ़ना भी पसंदीदा है। और सलाम फेरने से पहले 19 मरतबा आयत करीमा को पढ़ना ये भी दुआ की कबूलियत के लिए एक खूबसूरत तरीका और रास्ता है। अल्लाह पाक ये 40 रकात 20 सलामों के साथ पढ़ने की तौफीक अता फरमाए और पूरी उम्मत के लिए खैर और अपने बड़ों की और अपने लिए और अपनी आने वाली नस्लों के लिए मगफरत की दुआ करना अहले सुन्नत वल जमात के नज़दीक पसंदीदा है। आइए हम सब के सब हाथ उठा के दुआ करें, अल्लाहुम्मा रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन मिनल खासिरीन। अल्लाह तबारक व ताला जमात शेरा वाले के अकाबिर की दरजात बुलंद से बुलंदतर फरमाए और हजरात सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान के सदके और अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम के सदके अल्लाह पाक हम सब के तमाम बदअमालियों को माफ़ फरमा दे। या अल्लाह, नज़ा का आलम हो जब तारी, हम सब की जुबानों पे हो जारी कलमा तौहीद ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आप सबको शबे मेराज के बाद लैलतुल कद्र मुबारक और आज की रात बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह तबारक व ताला आज की रात हर मांगने जाने वाली दुआ को शर्फ़ कबूलियत नसीब फरमाए। वाखिर दुआना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।